नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको अपने भारत देश के कुछ ऐसे शानदार दृश्य दिखाएंगे जो हमने भारतीय रेल के माध्यम से घूमने के दौरान देखे हैं। मगर पहले आप अपने चैनल पूरा जर्नी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हैं, जिससे कि आपको ऐसे ही नई नई जगहों के रोचक दृश्य हम हमेशा दिखाते रहें। इस वीडियो में हम आपको मुंबई से रत्नागिरी के बीच में रेल के माध्यम से जाने पर जो अच्छे अच्छे वातावरण के दृश्य हैं वो दिखाएंगे, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहाड़ों के बीच से बहती हुई नदियाँ, अच्छे अच्छे हरे भरे पहाड़ी दृश्य, पुल के ऊपर चलती हुई रेलगाड़ी, पहाड़ से बहते हुए झरने, इसके अलावा सूर्यास्त का दृश्य जो पहाड़ों के बीच में से दिखता है, और भी बहुत सारे कुछ दृश्य आपको दिखाएंगे। सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करके आपको दिखाने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक और देखिए और जानिए भारत देश के रेल के माध्यम से घूमने वाले संपूर्ण दृश्य। आपको सबसे रोचक और अहम बात बताते हैं कि अगर आप मुंबई से रत्नागिरी या फिर गोवा की तरफ रेल के माध्यम से यात्रा करते हैं तो आपको रास्ते में बहुत सारे सुंदर सुंदर वातावरण के दृश्य देखने को मिलते हैं, जिनको देखने के बाद आपका मन मोहित हो जाएगा और आप सोचेंगे कि आप हमेशा ऐसे ही यात्राएं करते रहें। और अहम बात यह है कि आप ये सारी की सारी यात्राएं अगर बारिश के मौसम में करेंगे या फिर बारिश के बाद नवंबर से अक्टूबर के बीच करते हैं तो आपको वातावरण के सुंदर सुंदर दृश्य अपनी सुंदर सी आँखों से देखने का मौका मिलता है, जिसमें से आपको पहाड़ों के बीच से नदियाँ बहती हुई, अच्छे अच्छे हरे भरे पहाड़ी दृश्य, पुल के ऊपर चलती हुई रेलगाड़ी, पहाड़ों से बहते हुए झरने, इसके अलावा सूर्यास्त का दृश्य पहाड़ों के बीच से अत्यधिक। तो फिर आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से सारे के सारे सुंदर सुंदर वातावरण के प्यारे प्यारे दृश्य। अभी अभी तो हम सावित्री नदी के ऊपर से आगे बढ़े हैं और इस रेल यात्रा में हम बहुत सारे सुरंगों के बीच से भी गुजरने वाले हैं, जिनको पहाड़ों को काटकर बनाया गया है, तथा इसके साथ में पहाड़ों के बीच से गुजरने वाले हाईवे भी हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं हरे भरे पहाड़ों के बीच में, तथा उसके बगल से ही एक बहुत ही सुंदर सी नदी बह रही है जो वातावरण का एक अदृश्य नज़ारा है। जैसा कि हमने एक अहम बात बताई थी कि आप ये सारी की सारी यात्राएं अगर बारिश के मौसम में करेंगे या फिर बारिश के बाद नवंबर से अक्टूबर के बीच करते हैं तो आपको वातावरण के सुंदर सुंदर दृश्य अपनी सुंदर सी आंखों से देखने का मौका मिलता है, जिसमें से आपको पहाड़ों के बीच में नदियां बहती हुई, अच्छे अच्छे हरे भरे पहाड़ी दृश्य, पुल के ऊपर चलती हुई रेलगाड़ी, पहाड़ों से बहते हुए झरने, इसके अलावा सूर्यास्त के अच्छे अच्छे दृश्य और पहाड़ों के नीचे बनी हुई सुरंगों के अंदर चलती हुई रेलगाड़ी का गुजरना, सारे के सारे दृश्य आप अपनी आंखों से देखने वाले हैं जो कि वातावरण का एक ही बहुत ही प्यारा और सुंदर दृश्य है। तो फिर बने रहिए हमारी इस वीडियो में, जिसके माध्यम से हम आपको सारे के सारे सुंदर सुंदर वातावरण के प्यारे प्यारे दृश्य दिखा रहे हैं। और अगर आपने वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप किया तो शायद आप कुछ दृश्य ना देख पाए, और इसलिए हम आपको बताते हैं कि आप पूरा वीडियो देखें और एक भी वीडियो स्किप ना करें। अगर आप कुछ भी स्किप करेंगे तो आप सुंदर सुंदर वातावरण के दृश्य भी स्किप कर देंगे। यहाँ पर पहाड़, नदियाँ, सुरंगें, पहाड़ों के बीच में हाईवेज देखने के साथ साथ हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं कुछ घर या फिर कुछ झोपड़ियां जो जंगलों के बीच में बनी हुई हैं, जहां पर कुछ लोग भी नज़र आते हैं। कितना अच्छा लगता होगा यहां के लोगों को जो पहाड़ और नदियों के बीच में शुद्ध वातावरण में रहते हैं और देश दुनिया की परेशानियों से कहीं दूर, जिनको किसी भी चीज़ की कोई भी चिंता नहीं रहती है, कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर रहते हैं।
आप देखिए सुंदर सुंदर वातावरण के दृश्य देखने के साथ में हमें लगती है वो, क्योंकि हम सुबह सुबह अपने घर से निकल चुके थे और समय की बात करते हैं तो दोपहर हो चुकी होती है। फिर क्या था, मुंबई में है तो यहाँ पर आपको बड़ा पाव ही ज़्यादातर मिलने वाला है और उसके साथ छाछ की पैकेट मिल जाती है। तो फिर क्या था, हमने फटाफट वड़ा पाव खाना शुरू कर दिया था। फिर आ जाती है कोल्ड ड्रिंक्स, तो फिर क्या, हम ले लेते हैं अपना हमेशा की तरह पसंदीदा फैंटा और फिर वड़ा पाव को बड़े ही मज़े से खाते हैं और अपने भूखे पेट को थोड़ा सा सुकून दिलाते हैं और पेट से बोलते हैं कि अभी शाम तक कुछ नहीं मिलने वाला है और अब सीधे खाना खाने को मिलेगा, तो अपने आप को धीरे धीरे डाइजेस्ट करना जिससे कि जल्दी से फिर भूख ना लगे। और अभी आते हैं यहाँ पर फिर से सुंदर सुंदर वातावरण के दृश्य, नदियाँ, झरने इत्यादि। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा दृश्य हमारे इस वीडियो का सबसे प्यारा लगा और इसके साथ में ही अपने चैनल पोला जर्नी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको हमारी रोचक जानकारियाँ और रोचक वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। और अभी शाम का समय शुरू होने लगता है सूर्यास्त का और हम लगभग काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं रत्नागिरी के। और अभी यहाँ आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारी रेल कितनी लंबी है और कैसी दिखती है जब रेल पटरी पर मुड़ती है। तो यहाँ पर एक सुविधा वाली बात आती है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर अभी शाम होना शुरू हो जाती है और हमारे पेट का नियंत्रण अभी हो जाता है और वो हमसे खाना खाना की गुहार लगाने लगता है और बोलता है कि मालिक जल्दी करो, मुझे गरम गरम खाना खिलाओ, नहीं तो मैं आपकी सारी की सारी पेट की नसों को मरोड़ दूंगा और फिर आप खाने के लायक नहीं बचोगे। फिर क्या था, पेट की धमकी तो सुननी पड़ती है, नहीं तो पूरे शरीर के पुर्जे काम करना बंद कर देंगे। ये बातें जैसे ही हो रही थी तो फिर यहाँ पर रेल वाले भैया जी को भी सुनाई दे रही थी जो खाना लाते हैं सबके लिए, और वो तभी गरम गरम खाना की पूरी टोकरी हमारे सामने लेकर रख देते हैं और हमारा पेट फिर से खाना खाना की गुहार लगाने लगता है और बोलता है मालिक जल्दी करो, मुझे गरम गरम खाना खाना है और जो ये खाना लाए हैं इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी लग रही है। फिर क्या था, भैया जी पेट की बात सुनना पड़ेगा ना, और खाना लिया हमने जिसमें हमें मिलता है गरम गरम दाल, सब्जी, चावल, रोटी और अचार, और इतना सब खाने के बाद हमारा पेट बोलता है मालिक अब आइसक्रीम मिल जाती तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। तो मैंने कहा भाई बस कर, थोड़ी शर्म भी कर ले, क्या क्या खाएगा, बस कर, कहीं और चल के खाएंगे आइसक्रीम। पेट से वार्तालाप करते करते पता ही नहीं चला, और जब हम रेल से बाहर की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम रत्नागिरी के रेलवे स्टेशन में दाखिल हो चुके होते हैं और अब यहाँ पर रेल से उतरने की तैयारी शुरू कर देते हैं। और अभी हमारे मस्तिष्क से आवाज़ आती है कि मालिक आज आपने जो हमको इतने अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर वातावरण के दृश्य जो आपने दिखाए हैं उनको हम कभी भूल नहीं पाएंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि आपने अपने चैनल पूरा जर्नी में भारतीय रेल के माध्यम से घूमते समय जो अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर वातावरण के दृश्य दिखते हैं उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करी है। और आप बेफिक्र रहिए, आपकी वीडियो देखने के बाद सभी लोग कमेंट करके आपकी वीडियो को भी लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएंगे, तभी तो जब आप अगली बार नई वीडियो बनाएंगे तो सभी लोगों को जल्दी से मिल जाएगी। मित्रों, हमारा मस्तिष्क हमारी मन की बात समझ गया है और हमारी भी आपसे बस यही दरख्वास्त है कि आप भी हमारी थोड़ी सी मदद करके हमारा मनोबल बढ़ा दीजिए और अपने चैनल पोला जर्नी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इसके साथ में ये हमारे चैनल की बेस्ट वीडियोस हैं, तो आप इन्हें भी देखकर हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड सपोर्टिंग अस। थैंक यू।